भामासन.com की अपराधजनक खबरों में हम आपको बताते हैं कि क्या एक 3 साल का बच्चा पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी दादा दादी चाचा चाची और फूफा के खिलाफ कोर्ट में बयान दे सकता है। आइए देखते हैं पूरा मामला। ये वाकया है खंडवा की एक कोर्ट का, जहां पर 3 वर्ष का बालक हसन अपनी मां की निर्मम हत्या के खिलाफ गवाही देने के लिए पुलिस की वर्दी पहनकर पहुंच गया। वहां पर मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर 3 वर्ष के बालक ने कोर्ट में आकर पुलिस की वर्दी क्यों पहनी है। जब कारण पता किया गया तो सभी हतप्रभ रह गए। हुआ ये कि हसन की मां सादिया का 24 अप्रैल 2018 को बाथरूम में से शव मिला था और पूरी तरह से जलने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद सादिया के परिवार वालों ने ये आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने मिलकर उसकी बेटी की हत्या की है। इसके बाद सादिया के पति सास ससुर जेठ पर हत्या के प्रकरण पुलिस में दर्ज कर लिया गया, लेकिन इसमें हसन के बयान की अनदेखी की गई, जबकि वो घटना के समय घर पर ही मौजूद था। पुलिस ने इस घटना की जांच में ढील बरती और पुलिस के इस रवैये से 3 वर्ष का बालक हसन बेहद ही नाराज था। पुलिस के प्रति अपना आक्रोश दिखाने के लिए हसन ने पुलिस की वर्दी पहन ली। उससे ये भी कहा कि वे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहता है। ये भी बताया गया कि कोर्ट में जाने से पहले हसन अपने नाना और मामा के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर पिता और परिवार के लोगों को लेकर बहुत ही गुस्सा नजर आ रहा था। हसन के न्यायाधीश के पास जाने के बाद परिवार के सभी लोगों को बाहर कर दिया गया ताकि हसन बंद कमरे में गवाही दे सके। कुल मिलाकर ये पूरा मामला कोर्ट के साथ ही खंडवा में भी बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।